जैसे कि जाकिर खान कहते हैं, एक तरफा प्यार की कुछ अलग ही बात होती है। इसमें आदमी हर रोज जीतता है और हर रोज हारता है। आज की हमारी मूवी का एक इसी तरीके का थीम है। एक लड़की अपने टीचर के प्यार में पड़ जाती है। इस मूवी में एक तरफा प्यार का बहुत ही बेस्ट पोर्ट्रेयल किया गया है। मूवी का सब्जेक्ट आपको कंट्रोवर्शियल या अनकम्फर्टेबल लग सकता है, पर मूवी के लास्ट तक जब आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आज की हमारी मूवी माय टीचर 2017 की रोमांटिक जापनीज मूवी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर हिबुकी मेगुमी कसुके जो स्टूडेंट से ही हम देख सकते हैं। इसमें से मेगुमी को अपने एक टीचर से प्यार है। इन्होंने उनके शू बॉक्स में एक लेटर डाल दिया था। जब ये सब जाकर उस बॉक्स को चेक करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ लेटर है नहीं। इसका मतलब है टीचर को उनका लेटर मिल चुका है। अब मेगुमी बहुत ही डर रही थी। वो टीचर से पूछना चाहती थी कि उनकी फीलिंग्स क्या है, तो इसके लिए अपनी फ्रेंड हिबिकी को वो टीचर के पास भेजती है। हिबिकी टीचर के पास जाती है जिनका नाम है इतो। वो उनसे जाकर पूछती है कि आपको लेटर मिला? टीचर पूछते हैं क्या वो तुमने लिखा था? हिबिकी कहती है कि मेगुमी ने वो लिखा था। इतो को लगा ही था। वो लेटर वापस कर देते हैं और कहते हैं मेगुमी को जाकर तुम कहो कि उसके लेटर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। जब ये सब फ्रेंड्स मिलकर इस लेटर को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जो टीचर ने पॉइंट आउट की है। मेगुमी कहती है कि वो बहुत ही घटिया आदमी है, वो अब इन टीचर को लाइक नहीं करती। मूवी में हमें दिखाया गया है कि मेगुमी इसी तरीके से थोड़ी सी कन्फ्यूज सी, थोड़ी सी शैलो कैरेक्टर है। ये सब जब हैंग आउट कर रहे थे तभी वहाँ से एक टीचर जा रही थी। इस टीचर का नाम सचिको है। इन फ्रेंड्स में से कोसुके उसे लाइक करता है। वो उन्हें कहता है कि आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। सचिको कहती है कि तुम अपने सीनियर्स को बटर करो, मुझ पर एक काम नहीं करने वाला। सचिको एक टीचर के साथ थी तो टीचर भी कहते हैं कि वो भी सच कह रहा था। कोसुके सचिको से प्यार करता है तो ऑब्वियसली सचिको जिस टीचर के साथ थी उन्हें वो हेट करने लग जाता है। कोसुके अपनी सब फ्रस्ट्रेशन मेगुमी को बता रहा था। हिबिकी इन दोनों को जब एक साथ देखती है तो कहती है तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन दोनों को ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि हिबिकी एक आर्चर है। उसके क्लास में वो सबसे बेस्ट होती है। वो वंडर करती है कि आप किसी को लाइक करते हो, इसके बारे में आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो। एक दिन हिबिकी की क्लास चल रही थी। बाजू के क्लासरूम के लड़के बहुत ही नॉइस कर रहे थे। उस क्लासरूम में इतो का लेक्चर था पर वो नीचे सो रहे थे। हिबिकी नोटिस करती है और उन्हें बुक मार कर फेंकती है। उन्हें जेस्चर कर कर बताती है कि आप लेट हो चुके हो। इसके बाद क्लास में सबको बताया जाता है कुछ परवर्ड्स है जो बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। जब आप घर जाओगे तो ज़रा केयरफुल रहना। क्लास खत्म हो जाने के बाद इतो हिबिकी के पास आते हैं। वो कहते हैं तुम तो आज मुझे मार ही डालती। फिर भी हिबिकी ने उन्हें लेट होने से बचाया तो इसके लिए वो थैंकफुल है। इतो इन सबको हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज के लेसन में कहते हैं कि आज का आपने कोई भी आवर वेस्ट किया तो फ्यूचर में आप इसे रिग्रेट करोगे। कोई भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हिबिकी जब घर जा रही थी तो उसने नोटिस किया कि उसके पीछे कोई भागते भागते आ रहा है। वो भी भागने लगती है और भागते भागते रोड पर गिर जाती है। रास्ते पर जो गाड़ी उसके पास आई ये इतो की ही थी। इतो जब गाड़ी से उतरे तो उनके पास जाकर डायरेक्टली उन्हें उसने गले लगा लिया। वो बहुत ही डर चुकी थी। इतो फिर नोटिस करते हैं कि हिबिकी के पीछे जो आदमी भाग रहा था वो सिर्फ हेडफोन लगाकर जॉगिंग कर रहा था। गिरने की वजह से हिबिकी को चोट आ गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसे उन्होंने स्ट्रॉबेरी मिल्क भी ऑफर किया। थोड़ी देर में हिबिकी के पेरेंट्स उसे पिकअप करने के लिए आए। गाड़ी में जब पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन होता है तो फादर कहते हैं कि मुझे हिबिकी को हर रोज पिकअप करना चाहिए। मदर कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, तुम्हें इतनी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फादर कहते हैं कि वो मेरी नज़रों में हमेशा छोटी लड़की ही रहेगी। हिबिकी रियलाइज करती है मिस्टर इतो ने उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क दिया था। इतो उसे एक छोटी लड़की ही समझते हैं। उसे इतो पर स्ट्रॉन्ग क्रश है। वो इतो को बहुत ही लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कसुके फिर से सचिको के पास जाता है। सचिको एक आर्ट टीचर है जो ड्राइंग्स वगैरह करती है। कोसुके कहता है कि अगर तुम सेल्फ पोर्ट्रेट करोगे तो तुम्हें मैं पे करूँगा। सचिको कहती है कि किसी और पर जाकर लाइन मारो, मैं छोटे बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कसुके हिबिकी और मेगुमी के साथ था। उन्हें कहता है हम टीचर के घर तक जा सकते हैं, उनसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। अब मेगुमी को किसी और टीचर पर क्रश है तो इसके लिए वो मान जाती है।
जब ये सब वहां पर पहुंचे तो वहां ईतो भी रहते हैं। वो इन सबको नोटिस करते हैं और अंदर इनवाइट करते हैं। ये सब जब ईतो का रूम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत ही बोरिंग टीचर है। इन्हें कॉफी के अलावा ईतो ग्रीन टी देते हैं। इन्हें फिर गाड़ी की आवाज आई और सची को एक टीचर के साथ घर पर आई। जब ये सब बाहर देखने के लिए गए तो कसुके को बहुत ही बुरा लगा। उसने पूछ डाला कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो। सची को इसके लिए मना करती है। सची को जिस टीचर के साथ थी उसी को मेगुमी लाइक करती थी, तो उसे भी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि हिबिकी और मेगुमी ये दोनों क्लासरूम में थे। हिबिकी मेगुमी से पूछती है कि टीचर को लाइक करने का क्या पॉइंट है, टीचर तुमसे प्यार करेगा इसके चांसेस बहुत ही कम है। ये सुनकर मेगुमी रोने लग जाती है। इनका क्लास चल रहा था तो हिबिको को टीचर खड़ा करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हें स्कूल के बाद यही रुक कर होमवर्क कम्प्लीट करना पड़ेगा। रात में अकेले होमवर्क कम्प्लीट कर रही थी तो इतो उसके पास आते हैं। उसे कहते हैं कि टीचर तो चले गए, तुम क्यों रुकी हो, तुम अगर चाहती हो तो जा सकती हो। हिबिकी कहती है मैंने टीचर को प्रॉमिस किया था एक कम्प्लीट कर ही मैं घर जाऊंगी। इतो फिर उसके पास आते हैं, उसे हेल्प करने लग जाते हैं। इतो की लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। चिगुसा ने इतो से पूछा था तो इतो ने कहा था कि वुमन बहुत ही ट्रबल क्रिएट करती है। तो एबिकी डायरेक्टली इतो से पूछ लेती है क्या मैं ऑनेस्ट और ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ। इतो इस पर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों के लिए लव लेटर्स देती हो, उनके घर तक आ जाती हो, तुम ओबीडियंट नहीं हो पर शायद ऑनेस्ट हो। इतो ने हिबिकी को अपना होमवर्क कम्प्लीट करने में हेल्प की, उसके बाद उसे घर ले जा रहे थे। हिबिकी इतो के मोबाइल पर नोटिस करती है कि सचिको का उन्हें मैसेज आया हुआ था, उनसे बात करना चाहती थी। अब नेक्स्ट दिन हिबिको कसुको को लेकर जहाँ इतो और सचिको बात करने वाले थे उसी रूम में छुप जाती है। बाद में इतो और सचिको वहाँ पहुँच जाते हैं। सचिको कहती है कि जो दूसरे टीचर है वो हमेशा मुझे आस्क आउट करते हैं, मैं किसी और को लाइक करती हूँ, क्या आप उन्हें कह सकते हो प्लीज मुझे तंग ना करें। इतो कहते हैं कि ये मेरा प्लेस नहीं है। ये सचिको कहती है कि मैं आपको ही लाइक करती हूँ। इतो उसे समझाते हैं कि आजकल मैं सिर्फ वर्क पर फोकस करना चाहता हूँ, उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इतो यहाँ से चले गए। सचिको सचमुच में इतो को बहुत लाइक करती थी तो रोने लग गए। ये जब रूम खाली हुआ तो कसुको को इतो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि जाकर उसे मार कर आए, पर हिबिको उसे रोक लेती है। कसुको समझ जाता है कि हिबिको इतो को अब लाइक करती है। इसके बाद हम देखते हैं इनके आर्चरी क्लास के लिए न्यू स्कूल के स्टूडेंट्स इन्हें ज्वाइन करते हैं। इसमें से एक लड़का जिसका नाम है मसातो, ये बहुत ही आर्चरी में मास्टर है। कसुको को अभी अभी पता चला कि हिबिकी इतो को लाइक करती है, तो ये बात वो मेगुमी को कह रहा था। ये बात मेगुमी के लिए भी शौक थी। इनका पूरा डिस्कशन मसातो सुन लेता है। मसातो कहता है तुम्हें जिसे लाइक करना है तुम कर सकते हो, पर यह डिस्कशन कर हमें डिस्टर्ब मत करो। मेगुमी ने हिबिको को कहा था कि इतो अच्छे टीचर नहीं है, पर वो हिबिकी को अब सपोर्ट करना चाहती है। उसे बात कर रही थी कि इतो हमारे लिए बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ये जब बात कर रहे थे तभी हिबिकी को कुछ याद आया। वो डायरेक्टली भागते भागते इतो के पास आ जाती है। वो उनसे पूछती है क्या मैं आपको लाइक कर सकती हूँ। इतो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सही रहेगा, तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर, ये गलत है। हिबिकी कहती है कि आपने ही कहा था कि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आज का एक आवर आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी रिग्रेट बन सकता है। वे कहती है कि मैं टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगी, 90 के ऊपर मार्क्स लाऊंगी। इतो इस पर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं लास्ट टेस्ट में तुम्हारे 57 आए थे, तुम 90 के ऊपर कैसे लाओगे। हिबिकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो 90 के ऊपर लाएगी और फिर वो इतो को लाइक कर सकती है। हिबिकी के जाने के बाद इतो रियलाइज करते हैं कि ये कहकर उन्होंने मिस्टेक की। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हिबिकी बहुत पढ़ने लग जाती है। एक दिन वो पढ़ते पढ़ते ही स्टेज से जा रही थी और इतो से टकरा गई। इतो ग्लासेस पहनते हैं तो हिबिकी की वजह से उनकी ग्लासेस टूट गए, उन ग्लासेस के बिना कुछ भी देख नहीं पाते। हिबिकी फिर उन्हें गाइड करते करते उन्हें घर तक छोड़ने के लिए आती है। इतो कह रहे थे कि तुम जा सकती हो, मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर हिबिकी कहती है कि आपको मुझे प्रोटेक्ट करना है। घर छोड़ने के बाद इतो से कहते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। आज हिबिकी को बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत ही एक्साइटेड होकर उन्हें गुड बाय कहकर चली जाती है। हिबिको कसुके को छोड़ने के लिए आए ये सचिको ने नोटिस कर लिया था। सचिको इतो से कहती है कि तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। इतो कहते हैं कि वैसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी ट्रबल वगैरह क्रिएट नहीं करते। सचिको कहती है
तुम किसी के लिए सफाई दे रहे हो, ये देखना भी बहुत ही अच्छा है। उसे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अगले दिन सच्ची को क्लास के बाद हिबिकी को रुकने के लिए कहती है। उससे कहती है ये तो बहुत ही शांत है, वो बहुत ही काइंड है और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। तुम एक स्टूडेंट हो यानी कि बहुत ही शैलो हो। इतो ने तुम्हें कुछ काइंडनेस दिखाया, इसका गलत मतलब मत समझना। हिबिकी ये सब समझकर वहां से चली गई। कोसुके ये देख रहा था तो सचिको के पास आता है, कहता है कि तुम इतो को लाइक करते हो पर इसलिए तुम हिबिकी को टॉर्चर नहीं कर सकती। सचिको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोसुके कहता है कि फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों थे। वो फिर से उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सचिको कहती है कि तुम अभी भी एक टीनेजर हो, तुम्हारे लिए इन वर्ड्स का कोई भी मीनिंग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिबिकी इतो के पास है, उनके आंखों पर उसने हाथ रख दिया। इतो कहते हैं कि तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो, ये तुम्हारे हाई स्कूल ईयर्स है, तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस लेने चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारे जो भी फीलिंग्स है इन्हें मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। इस हार्श रिजेक्शन की वजह से हिबिकी बहुत ही हर्ट हो चुकी थी। वो अपने फ्रेंड मेगुमी के पास आए। रात भर वो रो ही रही थी, उसकी आँख सूज गई थी, तो इसे छुपाने के लिए उसकी फ्रेंड उसे मेकअप कर देती है। क्लासरूम में हिबिकी को कुछ लड़कियाँ पूछने के लिए आती है, क्या तुम हमारे साथ कैरियोके में आओगी, वहाँ पर कुछ लड़कों से वो मिलने वाली है। हिबिकी पहले कभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी पर आज इसके लिए हाँ कहती है। मेगुमी को यह बहुत ही गलत लगता है। वो डायरेक्टली इतो के पास आए ने कहा कि तुमने उसे इतना हार्शली क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम्हें पता है कि रात भर वो रो रही थी। यहाँ पर कोसुके भी था, इतो को समझाता है कि आपको उसे जरा काइंडनेस दिखाना चाहिए था, झूठी ही क्यों ना हो पर अच्छे से तुम उससे बात कर सकते थे। ये दोनों इतो को कहकर जाते हैं कि हिबिकी आज क्या करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में हिबिकी अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई है। वहां पर एक लड़का उसे अप्रोच करता है, कहता है तुम्हारे शॉर्ट हेयर मुझे अच्छे लगते हैं। हिबिकी को ये गलत लगा और वहां से वो चली गई। बाहर बारिश आ गई थी तो बारिश में वो भीग रही थी। कुछ आदमी ऑलमोस्ट उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि बारिश में भीगो मत, तुम्हारे स्कूल के टीचर तुम्हें डांटेंगे। हिबिकी सुनकर रोने लग गई, कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे टीचर मुझे डांटे, मुझे उन्हें एंग्री देखना है, स्माइल करते हुए देखना है। वो इतो से प्यार करती है पर इसके लिए कुछ कर नहीं सकती, उसने टेस्ट में भी बहुत मेहनत की थी। वो हर रोज जब स्कूल जाती है तो एक्साइटेड होती है, नर्वस होती है। उसके लिए टीचर के साथ प्यार में होना ये कुछ टाइम वेस्ट नहीं है। जिस फीलिंग के साथ अब वो जी रही है यही फीलिंग सब कुछ है। ये सब कुछ वो जब बात कर रही थी तो वह इतो भी आ गए थे, वो भी उसके लिए वरी कर रहे थे। वो फिर उसे घर ड्रॉप कर देते हैं। हिबिकी की टेस्ट हुई थी और उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें 97 उसने स्कोर किए हैं। वो रियलाइज करती है कि इस स्कोर का अब कोई भी मीनिंग नहीं है, इतो ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर डाला है। इसके बाद स्कूल में एक इवेंट होने वाला था, सब उसमें बिजी थे। हिबिकी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी तो अकेले ही आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। मूवी के फर्स्ट में हमने एक कैरेक्टर देखा है जिसका नाम है मसातो, जो आर्चरी में मास्टर है। जब हिबिकी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका सही से निशाना लग नहीं रहा था, वो इमोशनली आजकल जरा डिस्टर्ब है तो सही तरीके से आर्चरी नहीं कर पा रही। मसातो इस बारे में उससे बात करता है, कहता है लास्ट ईयर मैंने तुम्हें कॉम्पिटिशन में देखा था, तब तो तुम बहुत ही अच्छा कर रही थी, आजकल तुम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हो। ये बात सुनकर हिबिकी रोने लग जाती है, कहती है आजकल सबको मैं डिसअपॉइंट कर रही हूँ। मसातो को पता था कि हिबिकी टीचर से प्यार करती है, इसके बारे में उसे वो पूछ लेता है। वो टीचर से प्यार क्यों करती है, जब वो एक्सप्लेन कर रही थी तो कहती है एक्सप्लेन करना है बहुत ही हार्ड है, मुझे लगता है कि शायद कुछ सेल्फिश रीजंस थे, इसी वजह से मैं उनसे प्यार कर रही थी, मैं जरा भावनाओं में बह गई। वो फेक स्माइल कर रही थी। मसाको कहता है तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद उसने रियलाइज किया और वो भागते भागते डायरेक्टली इतो के पास पहुंच गए। वो एक्चुअल में उसकी सब फीलिंग्स इतो को बताना चाहती है। जब वो इतो से मिलने के लिए गए तब अपने स्कूल के इवेंट के लिए उसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। इतो के पास एक बुक था तो हिबिकी उनके पास गए, बुक पर उसने हाथ रखा, कहती है जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा मैं बड़ी हो जाऊंगी, वर्क करूंगी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो या सिकनेस हो कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक आपसे प्यार करती रहूंगी। जिस तरह से वेडिंग वॉज लिए जाते हैं उसी तरीके से उसने इतो को कन्फेस किया। इतो भी फिर उसे गले लगा लेते हैं। ये करीब आ गए थे तो इसे फिर वो किस करते हैं।
इसके बाद उन्हें कुछ लगा और वहां से वो चले गए, थोड़ा सा डिस्टिंग रहने लग गए। नेक्स्ट डे जब हिबिकी स्कूल पहुंचे तो सब लोगों को हिबिकी और इतो के बारे में पता था। जब वे किस कर रहे थे तो किसी ने इनकी फोटो ले ली थी। हिबिकी और उसके फ्रेंड डर गए थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सचिको उनसे मिलती है और कहती है कि तुम सब अब घर चले जाओ, हम बड़ों को इसे हैंडल करने दो। सब पेरेंट्स की और टीचर्स की मीटिंग बुलाई गई। इतो अपनी सफाई में यहाँ कुछ कहते हैं जो हिबिकी और कसुके सुन रहे थे। ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद इतो का जॉब चला जा चुका है। मसातो को भी ये बात पता चलती है। हिबिकी बहुत ही एम्बेरस थी, वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसे फिर इतो का कॉल आता है, वो उसे एक जगह पर मिलना चाहता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हिबिकी को इतो कॉफी देते हैं। हिबिकी कहती है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुमने मुझे स्ट्रॉबेरी मिल दिया था, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोटी लड़की समझते हो। अब जो तुमने मुझे कॉफ़ी दी है इसका मतलब है तुम मुझे सीरियसली लेते हो। उससे पूछती है कल तुमने मुझे किस किया था, उसका मीनिंग क्या था। ये तो कहते हैं कि मैं भावनाओं में बह गया था, इसका मतलब है वो कुछ भी सीरियस नहीं था। हिबिको को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। ये तो उसे घर छोड़ने वाले थे पर हिबिकी कहती है कि मैं चली जाऊंगी। वो स्टेशन पर ट्रेन के लिए वेट कर रही थी तभी मसादो का उसे कॉल आया। उसने हिबिकी को कहा था कि तुम क्या फील करती हो ये तुम्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसे लग रहा था कि शायद हिबिकी सैड होगी। जब वो स्टेशन पर ही थी तभी उसे मिलने के लिए वो पहुंच जाता है। उसे कहता है कि स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एक दो दिन में लोग भूल भी जाते हैं। अगर तुम तुम्हारे एज के किसी लड़के को डेट करोगे तो और भी चीज़ें तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। वो कन्फेस करता है कि एक साल मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में देखा था, तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ। अपनी बात कहकर वो हिबिको को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। अगले दिन हिबिकी स्कूल में नहीं गई थी। मेगोमी और कोसुके को पता चला कि इतो अब इस शहर से चले जाने वाले हैं। कोसुके गुस्से में इतो के पास आया, उसने उसे कहा कि तुम भाग क्यों रहे हो। वो इतना गुस्सा था इतो को पंच करने वाला था। वो इतो से कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो, क्या तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम अब जो है बाउंड्री रख रहे हो स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ये तुमने हिबिकी के साथ क्यों नहीं रखी। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें भूल जाएगी, हिबिकी हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। ये तो कहता है कि तुम बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा। अब कसुको इस पर बहुत चिढ़ जाता है, कहता है हर बार मुझसे यही बात की जाती है, तुम सब लोग सिर्फ बड़े हो चुके हो, हम छोटे हैं पर फिर भी गिव अप नहीं करते और तुमने गिव अप कर दिया है। वो गुस्से में इतो को एक पंच मारकर वहां से चला जाता है। इतो रियलाइज करते हैं कि सच बोल रहा था। वो डर रहे हैं कि अगर उसने हिबिके से प्यार किया तो हिबिकी जब बड़ी होगी तो उन्हें हेट करेगी, शायद उसके लिए गलत है। हिबिकी को समझाने के लिए उसकी फ्रेंड मेगुमी उसके पास आती है। उसे कहती है इतो अब इस सिटी से चले जाने वाले है। हिबिकी उससे कहती है कि शायद मेरी फीलिंग्स गलत थी, इतो ने ही मुझसे कहा था कि मुझे और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि मुझे पता है कि तुम ये बात नहीं कर सकते, तुम उनसे ही प्यार करते हो, अगर वो चले गए तो किसी और से तुम प्यार नहीं कर पाओगी। हिबिकी फिर डिसाइड कर इतो से मिलने के लिए आ रही है। इतो भी डिसाइड करते हैं कि हिबिकी से वो मिलने जाएंगे। हिबिकी बहुत ही फास्ट जा रही थी तो बाइसिकल से गिरकर उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट भी होता है। फिर भी वो चलते चलते इतो को देखने जा रही थी। इतो रास्ते पर उसे नोटिस करते हैं और उसके पास जाते हैं। इसके पैरेलल सीन में हमें दिखाया जाता है मेगुमी ने हिबिको को कहा कि इतो भी तुमसे प्यार करते हैं। हिबिको को लगता था कि वही सिर्फ इतो से प्यार करती है। पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग बुलवाई गई थी। इतो को जब सफाई देने के लिए कहा तो इतो ने पूरा ब्लेम ले लिया। वो कहते हैं कि हिबिकी बहुत ही स्पेशल है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, स्लोली स्लोली मेरी बाउंड्रीज में भूल गया, यह सब मेरी गलती है। यह उन्होंने हिबिकी के प्रति उन्हें फीलिंग से ये कन्फेस किया था। हिबिकी हमसे कहती है मैंने जो भी किया ये गलत लग सकता है पर मुझे अगर डू ओवर करने का चांस मिले तो फिर से मैं यही सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि इतो से बहुत प्यार करती है। इतो उसके पास आते हैं, उसे गले लगा लेते हैं। हिबिकी कहती है मुझे जल्दी से बड़ा होना है, मैं आपके साथ रह सकूं। इतो उसे समझाते हैं, कहते हैं एक दिन हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें कोई भी प्रेशर नहीं करना चाहता, अगर इन दिनों में तुम्हें कोई मिल गया जिससे तुम प्यार करने लग गए तो मैं समझ जाऊंगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो ये सब कह रहे थे। फिर वो रियलाइज करते हैं हिबिकी से वो बहुत ही प्यार करते हैं। कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए तुम वेट करना। इसके बाद हिबिकी ने अपनी एजुकेशन में फोकस किया, वो ग्रेजुएट हो गई।
ग्रेजुएशन के दिन अपने स्कूल को देखने के लिए जाती है। कहती है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ब्यूटीफुल पल हैं, यहाँ पर मुझे प्यार हुआ था, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स याद है, यहाँ पर ही मुझे क्या करना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ मिली। इतू के साथ अपने सब मोमेंट्स को याद करती है। जब वो स्कूल से बाहर आए तो इतू उसका वेट कर रहे थे। उसे पूछते हैं, कहो अब क्या करना है। हिबिकी कहती है कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है। वो नोटिस करते हैं हिबिकी का हाथ बहुत ही छोटा है और कोल्ड भी। हिबिकी कहती है कि आपका हाथ बड़ा है और वार्म, यानी एक दूसरे के लिए ये परफेक्टली कंपेटिबल है। वो कहती है कि यह बहुत ही अच्छा हुआ जो मैं आपसे मिली। इसके बाद ये किस करते हैं और इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस मूवी में देखें तो इतू उससे प्यार करने लग गया था, पर उसे पता था कि ये गलत था। उसने हिबिको को चांस दिया, कुछ साल दिए, यानी कि वो बड़ी हो सके और अपने खुद के लिए डिसाइड कर पाए कि वो सचमुच में उससे प्यार करती है भी या नहीं। बहुत सालों बाद भी वो उनसे प्यार करती रही। इसके बाद एक दूसरे के साथ आ गए, एक इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी ये पॉसिबल बन गई। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।